ये दोस्तों वो लोकेशन है जहाँ पर 152D और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे कहते हैं जिसे, और जम्मू कटड़ा का जो इंटरचेंज बनेगा वो इस लोकेशन पे बनेगा, ये जींद में। हाय गाइज, कैसे हो? प्रांजल्स यात्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। नया ब्लॉग लेकर हम हाजिर हैं। ये दिल्ली टू कटरा रोड है और इसका निर्माण कार्य पूरी तेज़ गति के साथ चला हुआ दोस्तों। जिस लोकेशन का हम आपको ये काम दिखा रहे हैं, ये जींद के पास पिल्लूखेड़ा है, यहाँ पर से ये हाईवे जम्मू कटरा गुजर रहा है और KCC बिल्ड कंपनी इसका काम करने में लगी हुई है पूरे जोर शोर के साथ। ये आप पोपलैंड मशीन देख रहे हैं डंपरों में, आईवा में, ये क्या बोलते हैं इसको, राखी डालने का काम कर रही है जी। और ये फ्लाईओवर का काम जारी है, पुल का निर्माण कार्य है पूरी जोर शोर के साथ। और ये आप कितना अद्भुत नज़ारा है, ग्रीनरी का, हरा भरा वातावरण, क्या नज़ारा होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा होने वाला है आने वाले दिनों में। और अब हम आपको ये जो KCC कंपनी का प्लांट है लगा हुआ है उसका विजिट करवाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये वो प्लांट है KCC कंपनी का और ये डंपरों की लाइन लगी हुई है हाईवा की। और ये देखो दोस्तों, इन्होंने कंपनी ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ है KCC ने। और हाँ यार, नहर अब वहाँ से जाएंगे आपके जहाँ पर इसका इंटरचेंज है, बानियाखेड़ा के पास नेशनल हाईवे 152 और जम्मू कटरा आपस में कनेक्टिविटी है, कनेक्ट करते हैं। और ये जींद से जींद का जो इंटरचेंज है ये लगभग 22-23 किलोमीटर पड़ेगा जींद डिस्ट्रिक्ट से, दोनों रोडों को कवर करता हुआ चलेगा। हाँ, इंटरचेंज ये अब हम नहर के साथ साथ चल रहे हैं, ये नहर देख रहे हो आप, ये हमारे यहाँ से ब्रांच नहर है जो जींद से उठती हुई गुजरती हुई आगे ही तरफ जाती है। खेतों की तरफ से आते हुए ये प्लांट का बैक साइड आ गया है, ये आप देख रहे हो जो KCC बिल्ड का एरिया है, जो भारी युद्धों का सामना करते कितनी मुश्किल से हम जाने लग रहे हैं।
सिर्फ आपके लिए वीडियो दिखाने के लिए भाई, जम्मू कटरा पे कितना काम हो लिया, कितना पेंडिंग है। हाँ, अब हम यहाँ से वो सामने देख रहे हैं आप, वो नहर का पुल है, वहाँ से हम राइट, इससे राइट साइड होते हुए जाएंगे, बानियाखेड़ा गांव में पहुँचेंगे, वहाँ पर इसका इंटरचेंज है जम्मू कटरा का और इसका आपका नेशनल हाईवे 152 जो जयपुर टू चंडीगढ़ है उसको कनेक्ट करता है। और ये इसकी दूरी जींद से कोई 22 किलोमीटर के लगभग है यहाँ। हाँ, दोनों हाईवे की, जम्मू कटरा की और इसकी एक्सप्रेस वे 152। बाइक भी गिर गई होती मेरी है, ये सिर्फ आपके लिए मतलब खुश होने के लिए भाई, जम्मू कटरा का काम दिखाते हैं कितना चला हुआ है, किस स्पीड से चला हुआ है, थोड़ा कितना तंग रास्ता है, कितने बेकार रास्तों से तरफ गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है। ये आप हमारे सामने हाईवा देख रहे हैं, डंपर बड़े बड़े लगे हुए हैं, इन्होंने सारे रोड को तोड़ दिया है, लोग भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी बात है भाई, सुविधा लेनी है तो कुछ परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। और ये दो हाईवे से ये गांव कनेक्ट होने जा रहा है, बानियाखेड़ा है, जम्मू कटरा का इंटरचेंज और 152 का इंटरचेंज और जींद की तो भाई प्रोग्रेस होगी काफ़ी, इतने बड़े बड़े हाईवे, जींद गोहाना 4 लाइन, पता नहीं कितने हाईवे हैं भाई जींद के आसपास। आने वाले टाइम में भाई जींद हरियाणा की राजधानी भी बन सकता है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है भाई, हम ये कह रहे हैं। आप ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, नोट कर लेना इस ब्लॉग को। ये नेशनल हाईवे 152 डी देख रहे हैं आप, हम इसके पुल के नीचे से गुजर रहे हैं दोस्तों, अंडरपास के नीचे से। अब हम बानियाखेड़ा गांव में जाने लग रहे हैं, उसके पास इसका 152 डी का और जम्मू कटरा का इंटरचेंज है जो दोनों हाईवे को आपस में इंटरकनेक्ट करेगा। ये बानियाखेड़ा गांव है, देखो दोस्तों कितना पानी भरा हुआ, बरसात हो गई यहाँ अचानक और हमें यहाँ रुकना पड़ा और ब्लॉक शूट करने में हमें काफ़ी परेशानी हुई दोस्तों। ये बानियाखेड़ा गांव में रुके, हम यहाँ के लोगों से पूछा इस हाईवे के बारे में, तुम्हें क्या बेनिफिट है क्या नहीं, लोग बोले हमें तो बहुत ही दुविधा है, कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ इस हाईवे का, पिल्लूखेड़ा के पास हमें जाना पड़ता है, इंटर कनेक्ट करेंगे यहाँ तो हमारे गांव के पास, तो ये आपस में हाईवे 152 डी और जम्मू कटरा जो, लेकिन इंटरचेंज है 152 डी का, हमें तो वहाँ से इंटर होना पड़ेगा। ये देखो कितना बुरा हाल है गाँव में पानी का, ये मैं देखो भीग गया दोस्तों खड़ा हूँ। और दोस्तों इस गाँव की एक समस्या और है, यहाँ पर कोई शमशान घाट नहीं है दोस्तों, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, मैं तो ये समस्या सुन के काफ़ी हैरान हुआ भाई, गांव में शमशान घाट नहीं है, तो प्रशासन को, जिन प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस गांव में शमशान घाट की व्यवस्था करवाए बनवाए। और ये देखो कितना पानी, ये KCC कंपनी की गाड़ी देख रहे हो आप, बरसात में भी लगे हुए हैं, जम्मू कटरा काम काफ़ी ज़ोर शोर से चला हुआ दोस्तों। 152 डी हाईवे दोस्तों चालू हो गया है, आप कितना सुंदर नज़ारा देख रहे हो, ये 152 डी का है, ये ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे, ये देख रहे हैं आप क्या नज़ारा है, कितना सुंदर, विदेशों जैसी फीलिंग आ रही है दोस्तों, ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे पे। ये दोस्तों वो लोकेशन है जहाँ पर 152 डी और ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे कहते हैं जिसे, और जम्मू कटरा का जो इंटरचेंज बनेगा वो इस लोकेशन पे बनेगा। ये जींद में पिल्लूखेड़ा के पास बानियाखेड़ा गांव है, इसके यहां पर बनेगा, जो आप ये मेरे सामने ज़मीन देख रहे हैं इस लोकेशन पे बनेगा, ये लोकेशन है वो, यहां से इतना बड़ा इंटरचेंज होगा इन किलों में। और काम भी चालू है जम्मू कटरा का, आप ये देख रहे हैं वो उस तरफ पेट देख रहे हैं सामने, ये जम्मू कटरा का एक्सप्रेस वे यहाँ से गुजर रहा है इस लोकेशन से, ये ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेस वे है 152 डी।
तो इस लोकेशन पर बनेगा दोस्तों, और आपको आगे दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।